हमारे डोंगी पे कुछ लोग आ ही नहीं रहे हैं। आइए भाई गंगा पार जाने के लिए आइए। मजा आ गया भाई मेला में भीड़ देख के। सुंदरघाट जाने का रास्ता यही है। आज हम जा रहे हैं गंगा पार, सुंदरघाट पे डोंगी पकड़ेंगे और फिर गंगा पार की मेला के लिए जाएंगे। ये देखिए सुंदरघाट जाने के लिए रास्ता है। आप बालाजी यूट्यूब चैनल से है क्या अंकल? अंकल जी जी जी, हम तो आपको जानते हैं। हाँ ठीक है, आज पार का मेला का वीडियो बनेगा। ठीक है, वहाँ जाने के लिए आए हैं सुंदर घाट। ये सुंदर घाट है, देखिए बहुत लोग जुट गए हैं मेला जाने के लिए। चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए गंगा जी के आ गए हैं लोग, डोंगी में बैठकर गंगा पार जाएंगे। ये देखिए यहाँ से सुंदर घाट है, ये यहाँ से गंगा पार जाने के लिए साधन मिलता है। पार जाने के कितना पैसा है? 10 रुपया पर आदमी। बच्चों के लिए 5 रुपया, बच्चों का 5। सवारियां का इंतजार कर रहे हैं, जब सवारी भर जाएगी तब ये डोंगा यहाँ से डोलेगा गंगा पार के लिए। आज गंगा पार में मेला लगा हुआ है। हम डोंगी में चढ़ गए हैं, यहाँ पे उस डोंगी पे सवारियां जा रही हैं, लेकिन हम बिना इंजन वाले में जाएंगे और इसमें क्या है कि बड़ी आराम से जाएंगे और मौज मस्ती करते जाएंगे। आइए भाई गंगा पार जाने के लिए आइए। देखिए चल दी है और जयकारा लगा के डोंगी को प्रस्थान दिया जाता है। यहाँ से गंगा पार के लिए डोंगी जा रही है। आज बहुत भीड़ है, देख रहे हैं डोंगी पर बैठने के लिए लगी हुई है। सब जनरेटर वाले पे ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डोंगी पे कुछ लोग आ ही नहीं रहे हैं। हमारे डोंगी पे सब आ गए हैं। आइए आइए गंगा पार जाने के लिए। हमारी भी डोंगी चलने लगी है। देखिए भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं डोंगी चलाने के लिए। एक बार सभी लोग गंगा मैया की जयकारा लगा दें। जय गंगा मैया, जय। ये देखिए ऐसे चप्पू तरह जो है इसको चलाया जाता है। गंगा मैया की जय। पार्क मेला के लिए हम लोग डोंगी पे बैठ गए हैं और बहुत ही आनंद आएगा। ध्यान दीजिएगा। आपका नाम क्या है? जितेंद्र माझी। जितेंद्र माझी, ये बताइए गंगा पार्क मेला कब से लग रही है? लगभग 100 साल तो होगा। 100 साल? 100 साल। और यहाँ मेला किस लिए लगता है? यहाँ मेला लगता है, बाबा जी रहते थे उन्हीं की लक्ष्य में उन्हें रखा गया है। लिट्टी भाटा का मेला है। लिट्टी भाटा का मेला, मेला भाटा का बहुत मजा आता होगा। बहुत मजा आता है, लोग पतंग का रेस भी करते हैं। अच्छा, लूटमार भी होती है पतंग की? पतंग की लूटमार भी होती है, लोग लिट्टी भाटे चोखा भी लगाते हैं अपना। अच्छा, अच्छा। सैर सपाटा भी करते हैं। अच्छा, सैर सपाटा भी करते हैं? सैर सपाटा भी करते हैं। ये गंगा जी का जो डोंगी का कार्य है, आप में कितना आपको मिल जाता होगा? गंगा माई पेट भर के लिए दे देती हैं? हाँ, पेट रोजी चल जाता है इसी से। अच्छा, 200-300 हो जाता है। लोगों की आप बहुत मदद करते होंगे? हाँ, मदद बहुत करते, बहुत लोग को बचाते हैं। अच्छा, लेकिन सरकार हमारी लोग की सुनती नहीं। सरकार नहीं सुनती नहीं।
चलिए सरकार आप लोग की देखे तो गंगा जी में बहुत आनंद लिए होंगे। हाँ, हम लोग सुबह से 4 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक रहते हैं गंगा जी में। शाम को 7 बजे तक गंगा जी में गंगा जी रहते हैं हम लोग। वाह भाई वाह, गंगा किनारे मेरा गाँव रे, घर पहुंचा दे मेरी मैया। ये हमारे मिर्जापुर का गांव का दल्ला पट्टी का गाना और ये फिल्मी गाना है, लोग अब इसको भूल गए हैं। गंगा किनारे जो रहने वाले हैं वो इसको बहुत याद करेंगे इस गाने को सुनकर। गंगा किनारे मेरा गांव रे, घर पहुंचा दे मेरी मैया। डोंगी चलाने में मजा आ रहा है? क्यों नहीं, जो ये चलाते हैं वो पहले से ही जानकार रहते हैं, वही चला सकता है। ये देखिए भाई साहब, ये टमाटर लिए हैं, आटा लिए हैं, और ये मैगी मसाला और मुरई और माचिस, ये जा रहे हैं यहाँ मेला में जो है लिट्टी बाटी बनाने हैं। और वहाँ पे सभी घर मित्रगण जो है बैठ के एंजॉय करेंगे और मेला का आनंद लेंगे और बाटी चोखा खाएंगे, पतंग तो उड़ेगा ही। डोंगी हमारी चल रही है धीमे रफ्तार से, बहुत आनंद आ रहा है। गंगा का सफर ऐसे ही करने में मजा आता है। वो देखिए पार में कितना भीड़ लगी हुई है। अरे हम यार कर पार पहुंच गए हैं। डोंगी अपने स्थान पे हो गई है, लोग अब उतर रहे हैं। संभाल के उतरिए, चलिए अब उतर जाते हैं तो मेला आपको दिखाते हैं। हम डोंगी से उतर गए हैं मेला में, अब मेला में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और कैसे लोग आनंद लेते हैं। गंगा पार का मेला, दुकानें यहाँ से ही चालू हो गए हैं। ये नमकीन बादाम और कई बजे से मेला लगा था यह बताइए। बुढ़वा सेव बताइए, क्या कहना चाहते हैं हम? कहना चाहते हैं इंजॉय का मेला लगता है। कितने साल से लग रहा है? 40 साल से लगता है। 40 साल से? डोंगी वाले ने कहा कि सैकड़ों साल से लग रहा है, 100 वर्ष हो गया। नहीं, 40 साल से जानते हैं। आप 40 साल से जानते हैं ना? ये बादाम पट्टी है चीनी वाली, तो क्या रेट दे रहे हैं? क्या ये जलेबी? 100 रुपए किलो। 100 रुपए केजी? अरे दुनाव रखा है, एक नौ एक कहा। बच्चा पुलकी खा रहा है। ये देखिए गोलगप्पा, पानी पूरी पुलकी, बिने पानी का ये खा रहे हैं, पीता नहीं लगेगा इसको। पतंग जिसके लिए आए थे वो उड़ रहा है। दूर दूर तक देखते हैं, देख लीजिए मेला लगा हुआ है, लोग बाइक से भी आए हुए हैं। मेला में बच्चे ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, बच्चों के लिए मेला होता ही है। काहे की पापड़ है? साबूदाना चावल मिक्स भाई। साबूदाना चावल मिक्स कितने का दे रहे हैं? 5 रुपए के 1। 5 रुपए के 1 जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, मेला इन्हीं लोग की वजह से लगता है, जो दुकानें नहीं होती तो मेला में कुछ दम नहीं रहता। सही बात है। अगर आप लोग दुकान ना लगाएं तो मेला किस लिए? मेला लगेगा ही नहीं। हाँ देखो, उस पास से अगले इतवार को एक दुकान आया था, मेला लग गया था, जबरदस्ती लगा हुआ था, अब इस बार पूरा लग गया। चलिए आज तो है ना मेला। खिलौने मेला है, मेला है ना। कहाँ का मेला है?
गंगा पार का मिट्टी बाटा का मेला। अच्छा ये देखिए जलेबी, जलेबिया का दुकान तो बहुत मिलती है, आलू कचालू। और ये क्या है भजिया, ये क्या है भजिया है? आलू पालक। आलू पालक कितने रुपए का है? 100 ग्राम? 15 रुपए का 100 ग्राम। क्या नाम है आपका भाई साहब? मंजय कुमार गौड़। ये हर साल मेला में दुकान लगाते हैं? हर साल। कैसे पता चलता है कि आज मेला है? आप लोग को अंदाजा रहता है कि? अंदाजा है भैया, अंदाजा। मूंगफली, मूंगफली में एक चुटकुला है। मामा मामा भूख लगी है। खा लो बेटा मूंगफली, खा लो खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। हम इसके मामा नहीं है। मामा मामा भूख लगी है, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। कितने रुपए का पाव भर है? 40 रुपया पाव मूंगफली। ये गजब का देखिए मूंगफली है, घर में भूजा हुआ है और दाने भी भरपूर हैं इसमें। देखिए देख रहे हैं, गुड़वा सेव, गुड़ का बनता है ये सेव, मीठा रहता है। ये देखिए इसको बोलते हैं लाई की डुंडी, लाई का है ये। कितने रुपए पीस बेच रहे हैं? पीस बेच रहे हैं किलो बेच रहे हैं? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो लाई का है? लाई और गुड़ से बनता है ये। ये अंकल जी ये क्या चीज है, क्या चीज बिछा है? बच्चों का खेलने वाला है। ये बच्चों को कैसे खेलते हैं इसको? जो नंबर आएगा पैसा मिलेगा, 2-2 रुपए का। अच्छा, कहाँ से नंबर आएगा? ये बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चा ले रहा है, क्या नंबर आया? ये स्क्रेच करने वाला चीज है, अगर नंबर निकल जाएगा तो पैसा देते हैं भाई साहब। कितना निकल जाता है? जितना नंबर आएगा, जितना नंबर आएगा उतना रुपए मिलेगा। 213 नंबर है ये भाई, 213 है ये नहीं है। 5 रुपया पाया है बच्चा, कितना रुपया दिया और कितना रुपया मिला? चलिए और देखते हैं। भजिया पकौड़ी, ये पालक का पकौड़ी, पालक प्याज का पकौड़ी है। कैसे बनाते हैं देखना है ना हमको। एक नुकसान भी हो गया इनका। ओह नो, वो भी फूट गया। वाह भाई वाह, कुछ फोड़ ही रहे हो, अपने से फूट जाता है ये। वाह भाई वाह, कितना मेहनत करते हैं और बहुत चीजें इनकी बर्बाद हो जाती हैं, फूट जाती हैं बैलून। आइए 10 वाला दे दो। मेला में खरीदारी बहुत जम की है। भैया रखा, 4 रुपए रखा, देखा निकले बताया। चलो उठावा। क्या नाम है आपका? राजा जायसवाल। अच्छा ये क्या पार के गांव से ही हैं आप? जी हाँ। तो ये मेला कितने साल से आप देख रहे हैं? ये मेला कम से कम
जब से हम जानने लायक हुए तब से तो मेला लग रहा है। मतलब जब से आपकी जानकारी जानने लायक हुई है तब से देख रहे हैं जी। मेला कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और लोगों की भीड़ भाड़ शहर से गांव में आता है जब गंगा पार में आता है जी, तब बहुत अच्छा लगता होगा जी। चलिए चुमकी मारिए मारिए। चुमकी मार रहे मान ले। ये देखिए पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाने के लिए जो है चुमकी मार रहे हैं। ये पतंग उड़ रही है नहीं उड़ रही है? पतंग उड़ रहा है ये सर, वो देखिए उड़ रहा है वो ए बाबे पागल। अरे यार यार काटा वो काटा। ये देखिए लग्गा लेके पतंग लूटने के लिए, जो पतंग कट जाता है उसको लूटने के लिए लग्गे वाले लोग हैं। बड़ा मजा आता होगा इन लोग को भी। ये बताइए कि आप लोग डंडा ये लग्गा बनाए हुए हैं जो पतंग कट जाती है तब आप लोग उसको बजा लेते हैं तो पतंग वाले को देते हैं कि आप लोग फिर ले लेंगे तो मतलब क्या देंगे? अच्छा आप ले लेंगे तो आप इसको कब यूज करेंगे? बाबू इसको दे रहे हैं लुटके। ओह बच्चों के लिए जो है जी सर। ये लोग मेहनत करते हैं और बाद में ये लोग उड़ाते हैं इसको पतंग की, क्योंकि पतंग को कोई फाड़ के फेंकना नहीं चाहता है, उसको जब तक उसका दम न टूट जाए तब तक उसका इस्तेमाल करते हैं। इधर देखिए चारों तरफ पतंगे ही पतंग दिख रहे हैं आपको, सभी लोग पतंग उड़ा रहे हैं। वाह काटा। चलिए हम भी कोशिश करते हैं पतंग उड़ाने की। कितना पतंग पा गए हैं? जुहा लिए हैं। देखे कितना पतंग है आपका, देखिए ये अब बाद में इसको बच्चे लोग घर पे उड़ाएंगे इसको। यस यस। बहुत, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश सोनकर। पतंग, ये पतंग की जो है कि जो पतंग कट जा रहा है गंगा पार में, जो लोग उड़ा रहे हैं वो कट जा रही है, उसको ये लूट कर अपने घर ले जा रहे हैं। ये आकाश जी पतंग जब छुट्टी टाइम रहेगा तो अपने घर से इसको एंजॉय करेंगे। हम भी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए पतंग है और इसको हम उड़ाएंगे और देखते हैं कि हमसे उड़ता है कि नहीं उड़ता है। चलिए देखिए वाह क्या मस्त पतंग है। पतंग में कुछ लगता है डायल बायल है। ओह नो, अभी इसको लाना पड़ेगा पतंग को। इस तरीके से पतंग उड़ते हैं। हम भी ठुमकी मार चुके हैं, पतंग हमारी उड़ गई है, दूर पहुंच गई है और हमने एक काट लिया। वाह काटा। ये देखिए लग्गा में पतंग बजा हुआ है। अरे भाई ए ए नो 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 नो। वो देखिए लड़का फाट फूट गया। वाह पतंग पड़ गया खाली झगड़े में, बच्चों की झगड़े में। ऐसे ही बचता है पतंग लग्गे में और जो कटे हुए पतंग रहते हैं सब लोग लूट लेते हैं। वाह काटा। मिर्जापुर चैनल वाले मिल गए। पतंग का एंजॉय ले रहे हैं आप लोग एकदम देखे पहचान लिए ना। क्या क्या नाम है आप लोग का? इसका समीर चोर। मेरा रोने नाम है। इसका से। ये पतंग आज उड़ाएंगे आज। बहुत काटे हैं। मजा आ जाता होगा। देखिए गर्मी लगने लगी। नहीं गर्मी तो है फिलहाल है, पतंग की जोश की गर्मी है। देखिए वो दादा के फेंक देंगे। पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाने में भाई का सहयोग कर रहे हैं आप। मजा मिल रहा है भाई साहब जी। क्या नाम है? अंकित। अंकित गुड़िया कट गई। कट गई वो कटा। ओह नो भाई, पार में बहुत आनंद आ रहा है पतंग देख के और बहुत लोग के देख के मन उत्साह हो रहा है और हम भी उड़ाए हैं पतंग, बहुत मजा आया। एक पतंग तो कट गया, एक पतंग काटे भी। पतंग की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अभी इनकी पतंग तैयार नहीं हुई है और ये उड़ाएंगे। देखिए तब से ये उड़ा रहे हैं, पीछे वाले भाई साहब उड़ा रहे हैं। कहाँ तक उड़ी आपकी पतंग?
वाह उड़िया। जल्दी जल्दी तैयार करिए भाई साहब, मजा मिल रहा है काटने में? वाह भाई वाह, बहुत मजे की डोरी ले आए हैं भाई साहब। क्या हुआ, पा गए क्या? पा गया पतंग एक को। कौन सा पाया हो? कितने रुपया ली? 2 रुपया वाली पाया है। मूल्य भी बता देते हैं पतंग की, कैसे 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 लुपेट रहे हो? हाथ से। हाथ में ये किसको क्या बोलते हैं? मांझा। मांझा। इसको क्या बोलते हैं? इसको चौवा। अच्छा तो समझो रे पैसा को। वाह भाई वाह, उड़ रहा है पतंग। पतंग ही पतंग दिख रहे हैं। छोटे भाई भी आ गए हैं। पतंग नहीं उड़ाओगे क्या? नहीं नहीं, पतंग नहीं उड़ाएंगे। तब क्या करेंगे? एंजॉय करने। वाह भाई वाह, मजा आ जाता है मेला देख के, तबीयत मस्त हो जाती है मेला में आकर। क्यों भाई साहब? हाँ हाँ, मेरा एकदम फर्स्ट क्लास मिला है भाई। नहीं, मेला में आकर बहुत सुकून मिल जाता है। बहुत सुकून मिलता है। और बचपन की याद भी बहुत ताजे हो जाती ताजे हो जाती है। कैसे दे रहे हैं कुल्फी? कैसे दे रहे हैं? 5 रुपए पत्ता। 5 रुपए पत्ता। नंबर 1 का चाट 5 रुपए पत्ता। नंबर 1 का चाट 5 रुपए पत्ता। बहुत स्वादिष्ट है। वाह भाई वाह, क्या बना रहे हैं आप? मोमोज है। मोमोज है। मोमोज, पाव भाजी। हाँ, आइसक्रीम भी है और बिस्लेरी भी है। पेठा। इसको बोलते हैं गुड़िये वाली बाल। मेला देखो। ये बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं। चलो कितने रुपए प्लेट दे रहे हैं चाउमीन? 20 रुपए जितना चाहिए। मतलब 10 की भी लेंगे तब भी देंगे, 20 का लेंगे तब भी देंगे। ये भाई मेला में जितने के चाहे उतने के ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मेला में आए हुए सभी लोग, सबके लिए सभी का मनपसंद चीजें मिल रहे हैं। कितने का क्या दे रहे हो? आलू। आलू, ये आलू बेच रहे हो? कितने का? 5 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 10 रुपये का। वाह भाई वाह, क्या बोलिए, थोड़ा सा ताजा ताजा क्या बोल रहे थे? ए ताजे ताजे है, पोपड़ा वाला है, मूंगफली का खाउन है, ये जो खाएगा वही मजा पाएगा। और नमक के साथ लिया, किसको खाइए? हाँ, कैसा नमक है? ये काले काले हैं, पेट का रसगुल्ला है, हर बात चुनाव है। वाह भाई वाह, ये मूंगफली बेच रहे हैं भाई साहब। ये कितने रुपए पौआ है? वो 40 रुपए पाव है बाबू। 40 रुपया पाव। और बहुत बढ़िया जो है कि एंजॉय करके मूंगफली बेच रहे हैं, बच्चे लोग भी देख रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। आइए भैया, गरमा गरम आम आलू बड़ो खिले, इनकलाब जिंदा।
ये वाला ले ये वाला ले भैया गरमा करो चार चाबी समोसा लोग था कैसे दे रहे हैं पानी पूरी अभी 10 का 6 है 10 का 6 ताजा गरमा गरम भैया ये वाला इनका भी हो महंगा मौका बताइए मेला में क्या क्या देखे आप अरे मेला में तो बहुत कुछ देखे लेकिन ये चीज नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब क्या इस डंडा इतना कहा है उठा के सारे ओझाई मचाए हैं ये जितना लगा नहीं उतना ज्यादा तो डंडा दिखाई दे रहा है लंगा वाले जैसे लग रहा है कि कोई पर्व चल रहा हो गंगा का पूजा हो रहा हो देखिए बच्चों टोल आखिर ये बताइए जब पतंग कट जाएगा तो उसको गांव देहात वाले तो पतंग जल्दी पाते नहीं है या उनकी घर से दुकानें बहुत दूर रहती हैं उनके बच्चों का तो लूट के रखे रहते हैं हमने कई लोग से पूछा है तो बताए हैं कि जो है कि हम इसको स्टॉक कर लेते हैं क्योंकि जो पतंग है जो बर्बाद नहीं होता तब तक इसको एंजॉय किया जा सकता है तो लोग अपने घर पे जब मेला खत्म हो जाएगा तब इसका आनंद लेंगे जरूर क्या समझे आम का आम गुठलियों का दाम गांव वाले समझते हैं जय श्री महाकाल महाकाल जय हो जय श्री राम संतुष्टि मिल गया हमारे भाई साहब एकदम एकदम धन्यवाद थैंक यू भागम भाग मची है पतंग के लिए ये भी कला देख लीजिए बचपन में हम लोग भी पतंग से बहुत मौत करते थे और पतंग जब फट जाती थी पतंग तो हम लोग उसको कैसे टेपिंग और कैसे क्या करते थे ये बच्चे लोग भी टेप कर रहे हैं अपनी पतंग को जोड़ रहे हो पतंग की फट गया है बाबरे वो देखिए वहाँ पर पतंग लूटने की बहुत ये देखिए कहाँ पे है आपका पतंग वाह भाई ये काटे 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 पांच छह तो काट दिए ज्यादा काट लिए देखिए बड़ी आनंद आ रही होगी अभी ये काटा है कम 2-3 काटा जब से मैं एक ही पतंग उड़ा रहा हूँ पैसा वसूल कर लिए बिल्कुल बिल्कुल मेला में आए पैसा वसूल कर लिए इतना तो छाड़ चुके अभी तक रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं हम आए हैं बच्चों लोग के लेके अच्छा बादाम खा रहे हैं बाप रे मूंगफली में दाना है हम तुम्हारे मामा नहीं है मजा आ गया भाई मेला में भीड़ देख के और पतंगे देख के और बहुत एंजॉय किए बहुत लोग से मिले जुले उन्होंने बताया
कि मजा आ रहा है मेले में। चलिए और कुछ देखना है। देखिए बिहारी ले रहे हैं पीने के लिए, प्यास लगी है, 20 रुपए का पानी है। ये देखिए मंकी छाप बंदर है, जिसको बहुत मेहनत से इन्होंने बनाया है, मंकी बंदर। ये देखिए क्या बेच रहे हैं आप लोग, क्या बेच रहे हैं भैया? इसको भेल बोलते हैं। ये मिक्स बेच रहे हैं, ये लाइट चूड़ा उड़ा बड़ी मिला कर भेलपुरी टाइप की। धन्यवाद। अब हम बैठ गए हैं, बहुत थक गए हैं मेला में घूमते घूमते। मेला में वीडियो बनाकर यहाँ आराम कर रहे हैं, फिर आपको वापस चलेंगे तो दिखाएंगे कि कैसे चलते हैं। नमक नहीं है क्या उसमें? ये जय बेटा अपना चेहरा दिखाओ, भैया वीडियो बना रहे हैं तुम्हारा। ये पता चला चला गया बादाम के साथ आदमी के साथ आपको फाड़ के निकाला था नहीं। मुआना करब रखे लौना जा बाजने का क्या तुम सब नोट के दिए थे ये तुम सब को कागज है बड़ा ला अंडे का पकौड़ा भी मिल रहा है यहाँ पे। न्यू दिन में पड़ेगा ले ले बगर तो जुझाम खाई मारे बगर जान गया ना बाहर ले यार भाई। टीवी में आज तो भाई खींचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव है। अजय यादव जी मेला में आप बच्चों के लिए आए हैं? कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब क्या वापस जा रहे हैं क्या? जी हाँ, हम लोग वापस चल रहे हैं। पतंग भी उड़ाए, कैसा लगा? अच्छा। आपके जो बच्चों पिताजी हैं ये जो बहुत मजा लिए हैं गंगा पार्क में, बोलिए गंगा मैया की जय। हाँ बताइए क्या आप लोग एंजॉय किए, कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों पे यहाँ पे आके। ये देखिए क्या हालत है, देखिए जूते का हाल। चलो देख बेटा खाट।
मेला में आनंद आया? हाँ आया एकदम, बहुत मजा आ रहा है। एंजॉय फुल मेला था। तो मेला घूम चुके हैं क्या? अच्छा अच्छा, आनंद मिला है। अभी चल रहे हैं ऊपर मंदिर की ओर। अच्छा, मंदिर पे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी नजारा लेंगे जरूर। डोरी को परेती में भर रहे हैं, माझा को परेती में भर रहे हैं।